अस्सलामुअलैकुम, मैं जुलेखा अरफात, जुलेखा किचन से। तो चलिए आज हम बनाते हैं क्रीमी अंडा कढ़ाई, या आप इसे कह सकते हैं मलाई अंडा करी, जो आपने कहना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। साधारण यानी ऑर्डिनरी इंग्रेडिएंट से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिश बनाते हैं आज की। चलिए सबसे पहले 7-8 बॉइल्ड अंडे लीजिए। इस तरीके से बीच में से हल्की सी स्लिट मार दीजिए। अगर आप स्लिट नहीं मारेंगे ना, तो हम जब फ्राई करेंगे ना, तो फूटने लगेंगे और वो आपके ऊपर तेल उड़ सकता है। चलिए मैंने सारी स्लिट मार ली। एक कढ़ाई के अंदर तेल डाल दीजिए और चूल्हा फास्ट आंच पर चालू कर दीजिए। जब अच्छा तेल गर्म हो जाए, तो ये जो अंडे हैं ये डाल दीजिए और इसे बार बार चलाते हुए लाइट गोल्डन ब्राउन चारों ओर से हो जाए तो निकाल लीजिए। अच्छा, मैं है ना बैचेस में फ्राई कर रही हूँ, क्योंकि मेरी जो पतीली है ना वो थोड़ी सी स्टील की है। अगर आपकी नॉनस्टिक वगैरह हो और नीचे चिटकता ना हो, तो आप चाहे तो सारे एक साथ डाल दीजिए। मैंने बैचेस में सारे फ्राई कर लिए और इन्हें निकाल कर नितार कर साइड पर रख दिया है। अब वही तेल के अंदर है ना, चूल्हा मैं पहले बंद कर देती हूँ, और यही तेल के अंदर है ना, मैं यहाँ 2 मीडियम साइज की प्याज मोटी मोटी काट कर मैंने डाली है। इसे बार बार चलाते हुए फ्राई कीजिए। हमें बस तब तक फ्राई करना है जब तक इसका कच्चापन ना चले जाए, मतलब कच्ची पक्की हो जाती है ना, वहाँ तक ही इसे फ्राई करना है। अब मैंने चूल्हा वापस चालू कर दिया और इसमें मैं डाल देती हूँ 3-4 हरी मिर्चियाँ और 15-17 काजू। अच्छा, हरी मिर्चियाँ अपने स्वाद अनुसार लीजिए। बार बार चलाते हुए तब तक ही सिर्फ पकाना है जब तक कच्ची पक्की ना हो जाए प्याज। ज़्यादा लाल बिल्कुल भी नहीं करनी है। कच्ची पक्की हो जाए तो इन्हें निकाल कर नितार लीजिए सबसे पहले और साइड पर रख दीजिए और कम्प्लीटली ठंडा हो जाने दीजिए। जब ठंडा हो जाए तो इसे मिक्सर जार के अंदर डाल दीजिए। आधा कप दूध डालकर इसे बहुत अच्छे से फाइन पेस्ट बना लीजिए इस तरीके से, और इसे साइड पर रख दीजिए। आप सेम वही कढ़ाई लीजिए, चूल्हा फास्ट आंच पर चालू कर दीजिए। आप चाहें तो थोड़ा सा तेल डाल सकते हैं, नहीं तो वही तेल के अंदर 2 तेज पत्ता, 4-5 हरी इलायची और 1 बड़ी डंडी दालचीनी की डालकर इसे तड़तड़ा जाने दीजिए फास्ट आंच पर। जब गर्म मसाले तड़तड़ा जाए, तो यहाँ पर डाल दीजिए 3 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट और इसे भी फास्ट आंच पर बार बार चलाते हुए भून लीजिए। आपने तब तक भूनना है जब तक इसके कच्चेपन की खुशबू ना चली जाए। जब कच्चापन चला जाए अदरक लहसुन के पेस्ट का, तो जो हमने साइड पर पीस कर रखा है प्याज और जो काजू, वो सारा डाल दीजिए पेस्ट, ये वाला अच्छे से सारा निकाल के। मैंने चूल्हा स्लो कर दिया है और मैं स्लो आंच पर इसे 2-3 मिनट तक भून रही हूँ। अब मेरी जो पतीली है ना वो स्टील की है, तो कभी कभी नीचे लग जाती है, इसके लिए मैं स्लो पर कर रही हूँ। आप चाहें तो मीडियम आंच करके भी भून सकते हैं 2-3 मिनट तक। बार बार चलाते रहिए कि नीचे चिटके ना। हाँ, जब मसाला अच्छा भून जाए, तो यहाँ पर डाल दीजिए 3/4 छोटे चाय का चम्मच काली मिर्चों का पाउडर। वैसे ही जो काली मिर्च है, आप देख सकते हैं दरदरी सी है, मैंने घर में पीसा है इसे दरदरा सा। अगर आप बहुत ज़्यादा पाउडर डालोगे ना, तो काला हो जाएगा हमारी ये ग्रेवी का कलर, तो दरदरी पीसी हुई डालिएगा। नमक डाल दीजिए स्वाद अनुसार और 3/4 छोटे चाय का चम्मच भुना और पिसा हुआ जीरा पाउडर डाल दीजिए। 1/2 छोटे चाय का चम्मच गरम मसाला पाउडर मिक्स कर लीजिए। अच्छा, मैं ये ना 1/4 कप जितना पानी, जो मिक्सर जार जिसमें मैंने पीसा था ना, मिक्सर जार के अंदर 1/4 कप पानी डाल रही हूँ। उसे चलाकर मैं इसमें डाल देती हूँ और स्लो से मीडियम आंच पर 1-2 मिनट तक पानी डालने के बाद भून लीजिए इसे। मैंने चूल्हा मीडियम आंच कर दिया और फिर यहाँ पर ना मैं जो प्याज है जिसमें प्लेट में रखी हुई थी, वो प्लेट में जो भी तेल है वो मैं सारा ले लेती हूँ, क्योंकि काफ़ी महंगी आती हैं चीज़ें, तो इसके लिए कोई भी चीज़ वेस्ट मत कीजिए। और इसे तब तक भूनिए जब तक तेल नहीं छूट जाता मीडियम आंच पर। ये देखिए तेल छूटने लगा ना, तो अब यहाँ पर मैं डाल देती हूँ 1/2 कप दही। दही नॉर्मल टेम्परेचर पे है, फेटी हुई है, और इसे यहाँ पर मैं चूल्हा फास्ट आंच करके बार बार चलाते हुए इसे 1-1.5 मिनट तक भून लेती हूँ। जब 1-1.5 मिनट हो जाए, तो मीडियम आंच करके मैं 1.5 मिनट और भून रही हूँ, तो तकरीबन 2-3 मिनट तक टोटल मैंने भूना है। अच्छा, यहाँ पर दही ना ही खट्टी है ना ही मीठी है, नॉर्मल टेम्परेचर वाली, और नॉर्मल जो दही आती है वो वाली दही है। जब दही भी भून जाए और इस कदर तेल छूटने लगे, तब डाल दीजिए 3-4 टेबलस्पून जितनी मलाई। अच्छा, यहाँ पर मैंने 4 टेबलस्पून यानी कि 1/4 कप लिए बाजार के लिए। आप चाहे तो घर की भी ले सकते हैं। घर की मलाई लें तो दूध बिना उसे पहले मिक्सर जार के अंदर डालकर पीस लें और फिर इसमें डाल दीजिएगा। और इसे अब डालने के बाद एक बार मैंने चला लिया। 1 छोटा चाय का चम्मच कसूरी मेथी को हाथों की मदद से क्रश करके डाल दीजिए इस तरीके से, और इसे भी मिक्स कर लीजिए।
आधा एक मिनट तक मलाई डालने के बाद भी भून लीजिए मीडियम आंच पर, और हल्का तेल जब आप देखें छूटने लगे तो यहाँ पर मैं 3/4 कप जितना पानी डाल रही हूँ। अब आप चाहें तो आधा कप भी डाल सकते हैं, ग्रेवी आपको जितनी चाहिए आप उस हिसाब से डालिएगा। इसे एक बार चला लीजिए और इसमें उबाल आ जाने दीजिए। आप चाहें तो चूल्हा फास्ट आंच भी कर सकते हैं। हाँ, जब उबाल आ जाए तो हमारे जो अंडे हमने साइड पर रखे हैं वो सारे डाल दीजिए। एक बार चाहें इसमें भी जो तेल लगा है वो सारा ले लीजिए हमारे ग्रेवी के अंदर, और इसे एक बार चला लीजिए। अच्छा, यहाँ पर मैं डाल देती हूँ 1 टेबलस्पून जितना मक्खन। चूल्हा मैंने स्लो आंच कर दिया। अच्छा, अब ये है कि मक्खन आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने मक्खन डालना है तो पहले से दिमाग बना लीजिएगा, क्योंकि नमक जो है ना स्टार्ट में आप कम डालिएगा उस हिसाब से, हाँ, क्योंकि नमक इसमें भी होता है मक्खन में। चलिए, मैंने स्लो आंच करके इसे ढककर तकरीबन 5 मिनट तक दम पर पकने दिया। 5 मिनट के बाद ये देखिए चूल्हा मैंने कर दिया बंद, और आप ग्रेवी देख सकते हैं। मैं थोड़ी ग्रेवी ज़्यादा हमारे यहाँ प्रेफर होती है, आप कम खाते हो तो आधा कप डालिएगा। और दूसरी बात ये है कि यहाँ पर मैं 1 घंटे के बाद सर्व करने वाली हूँ, अभी मैं ढक कर रख देती हूँ, तो क्या ठंडा होने के बाद भी वो थोड़ी गाढ़ी हो जाती है। मैंने 1 घंटे के बाद फिर से चूल्हा रख दिया गर्म पे और इसे मैंने गर्म कर लिया, और अब मैं इसका चूल्हा कर देती हूँ बंद, और इसके ऊपर थोड़ी सी कोथमीर डाल दीजिए, यानी कि हरा धनिया, और 2-3 हरी मिर्चियाँ स्लेट करी हुई डाल दीजिए, और ये बन गया हमारा मज़ेदार से गर्मा गर्म व्हाइट अंडा कढ़ाई, मज़ेदार लजीज। आप चाहें तो इसे मलाई अंडा करी भी कह सकते हैं। अब इसे गर्मा गर्म रोटी पराठा फुलका किसी के भी साथ सर्व कीजिए। वैसे इनमें से कुछ की रेसिपी लिंक्स डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आप वहाँ चेक कर लीजिएगा। हरी मिर्चियाँ अपने स्वाद अनुसार डालिएगा, और यहाँ पर काली मिर्च का पाउडर भी आप आपके हिसाब से डाल सकते हैं। अच्छा, अगर आप ये मक्खन डाल रहे हैं तो नमक ध्यान रखिएगा, क्योंकि नमक फिर ज़्यादा ना हो जाए, क्योंकि मक्खन एंड में डालते हैं तो उसमें नमक होता है। अब सर्व करने के टाइम पर भी मैं थोड़ी सी कोथमीर यानी कि हरा धनिया डाल देती हूँ और गर्मा गर्म सर्व कर देती हूँ। तो है ना मज़ेदार आज की अंडा करी। अगर आप बनाए तो मेरे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा, मुझे आपके कमेंट्स पढ़ने बहुत अच्छे लगते हैं। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, और उससे ज्यादा अच्छी लगे तो अपने फैमिली और फ्रेंड्स में इसके लिंक फॉरवर्ड कीजिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।